एसयूवी 300 W8 ऑप्शनल कार कैसी रहेगी आपके लिए इस वीडियो में टोटल वॉक अराउंड एंड कंप्लीट रिव्यू आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो मैं शिवानंद गाइस एंड टेक्निकल ज्ञानी में आपका स्वागत है और इस कार के बारे में सारी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो वीडियो को स्किप न करें, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड कम्प्लीट वॉक अराउंड। आई एम हियर इन महिंद्रा शोरूम रीवा एंड आज हम महिंद्रा एक्सयूवी 300 W8 ऑप्शनल का कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं। एंड महिंद्रा की किसी भी कार को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो महिंद्रा शोरूम रीवा में सारी कार्स आपको अवेलेबल होने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो बात करूँ इस मॉडल के प्राइस की तो 11.70 लाख से ये कंप्लीट प्राइस आपको एक्स शोरूम प्राइस पड़ता है इस कार का। सो गाइज एज यू कैन सी द फ्रंट लुक ऑफ द कार, इट्स ऑसम कार। यू नो आप देख सकते हैं नेपोलियन ब्लैक कलर में कार किस तरह से आपको विजुअल हो रही, बहुत ही ऑसम एंड कूल लुक्स दिख रहे हैं इस कार के। LED प्रोजेक्टर लैंप विद टर्न इंडिकेटर एंड DRL, और यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉग लैंप आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पे ब्यूटीफुली प्लेस्ड है और बहुत ही अच्छे यूनिक डिजाइन है। फॉग लैम्प जो कि एक LED फॉग लैम्प है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं महिंद्रा की बैजिंग आपको फ्रंट में दिख जाती है, और रेडिएटर ग्रिल एंड सेकेंडरी ग्रिल आप देख सकते हैं जो कि क्रोम इंसर्ट्स के साथ काफ़ी फैंटेस्टिक फील है। गाइज यू कैन सी दिस ब्यूटीफुल डायमंड अलॉय व्हील विच इज क्वाइट गुड एंड इम्प्रेसिव एंड 17 इंच व्हील साइज। एंड आप यहाँ देख सकते हैं ORBM विद टर्न इंडिकेटर्स आपको प्रोवाइडेड है, और ORBM में क्रोम फिनिश आपको देखने को मिलता है। डोर हैंडल्स आप देख सकते हैं विद क्रोम इंसर्ट, और इसमें एक आपको स्विच मिलता है लॉक एंड अनलॉक के लिए जब आपकी चाबी की बैटरी डाउन हो उस कंडीशन में भी। साइड क्लैडिंग आप देख सकते हैं। और अब बात करते हैं रियर लुक में, स्पॉइलर डिफॉगर एंड यू कैन सी दिस रियर वाइपर। एंड यहाँ पे आपको XUV 300 की बैजिंग मिल जाती है, W8 बैजिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको W8 की बैजिंग मिल जाती है। 4 पार्किंग सेंसर फ्रंट और बैक दोनों, रियर साइड दोनों साइड आपको इस कार में मिलती है, जो कार की पार्किंग के लिए बहुत ईजी जाता है कार को पार्क करना। और यहाँ पे बॉटम में स्किड प्लेट आप देख सकते हैं, एंड टॉप में आप महिंद्रा की बैजिंग देख सकते हैं। यहाँ पे कैमरा प्लेस्ड है, रियर कैमरा प्लेस्ड है पार्किंग के लिए। एंड गाइस आप देख लेते हैं इस कार के बूट स्पेस को, तो 257 लीटर की बूट कैपेसिटी आपको मिल जाती है, और यहाँ पे आप काफ़ी कुछ लगेज यूज कर सकते हैं। गाइस पार्सल ट्रे इस कार के बूट स्पेस के साथ आपको नहीं मिलती, तो आपको परचेस करना होता है। आप देख सकते हैं कार का साइड लुक जो कि काफ़ी शानदार है, विद क्रोम इंसर्ट्स आपको देखने को मिलते हैं डोर्स पे एंड विंडो पे। एंड रूफ रेल्स आप देख सकते हैं विद पियानो फिनिश के साथ आपको रूफ रेल्स दिखते हैं। फ्यूल टैंक आप देख सकते हैं 42 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको इस कार में मिल जाती है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 लीटर की बॉटल आप डोर पे फिट कर सकते हैं ईजिली। एंड यहाँ पे क्रोम इंसर्ट्स आपको डोर में देखने मिल जाते हैं, स्विचेज आपको देखने में मिलती हैं जो आप देख सकते हैं। पियानो ब्लैक फिनिश में आर्मरेस्ट आपको मिल जाता है डोर में, और यहाँ पे कुछ सॉफ्ट टचेस भी आपको मिलते हैं आर्मरेस्ट के पास में। ग्लव बॉक्स आप देख सकते हैं जो कि काफ़ी ह्यूज है, काफ़ी बड़ा साइज का ग्लव बॉक्स यहाँ पे आपको प्रोवाइडेड है, और उस ऊपर में भी स्पेस आप देख सकते हैं जहाँ पे आप सेलफोन मोबाइल स्मार्टफोन रख सकते हैं और सारी चीज़ें। यहाँ आप देख सकते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि अभी इसके साथ कंट्रोलिंग के लिए नॉब्स आपको प्रोवाइडेड है, और पुश स्टार्ट इंजन पुश स्टार्ट एंड स्टॉप बटन यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड कार में आपको टिल्ट स्टेयरिंग फैसिलिटी मिल जाती है जिसके थ्रू आप एडजस्ट कर सकते हैं, और ये सारे नॉब्स एंड कंट्रोल्स आप देख सकते हैं। एंड हैजर्ड लाइट्स, पार्किंग लाइट्स आप देख सकते हैं। ड्यूअल जोन AC आपको इस कार में देखने को मिलता है, 12 वोल्ट सॉकेट एंड विद 2 USB के साथ आपको मिल जाता है। एंड कार में आपको 3.5 mm जैक भी मिल जाता है, और पार्किंग ब्रेक क्रोम इंसर्ट के साथ साथ ही यहां आप आर्म रेस्ट देख सकते हैं जो कि काफी स्मूथ कुशनिंग के साथ आता है, और इन साइड में आपको काफी ह्यूज स्पेस मिल जाता है जहां पे आप चीजों को स्टोर कर सकते हैं जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पे स्टीयरिंग पे सारे माउंटेड कंट्रोल्स आ जाते हैं जो कि क्रोम इंसर्ट्स के साथ काफी डिसेंट फील
फील होता है और बेटर लुक प्रोवाइड करता है स्टेयरिंग में। और आप देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि काफी बड़ा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इस कार में आप देख सकते हैं। और साइड में ट्विटर्स आप देख सकते हैं, एज वेल एज यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे स्विचेस प्रोवाइडेड हैं आर्मरेस्ट के साइड में डोर पे। और इकोनॉमिकली यह कार स्टार्ट स्टॉप हो जाती है जब भी फ्यूल को एडजस्ट कर सकती है, जिससे फ्यूल सेव होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ORBM के कंट्रोल्स, जो कि एडजस्टेबल हैं, नॉब आप नॉब से एडजस्ट कर सकते हैं। सो गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा लेग रूम कुछ इस तरह से, और यहाँ पे हम बैक साइड में स्लाइड कर सकते हैं सीट को। और अब आप देख रहे हैं काफ़ी कुछ यहाँ पे स्पेस, हमें यहाँ पे क्लियर स्पेस बचता है, बहुत इनफ स्पेस, तो किसी तरह से हैंडलिंग में प्रॉब्लम नहीं होनी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हेडरूम, काफ़ी एडिक्वेट स्पेस हमें हेडरूम के लिए यहाँ पे मिल जाता है, तो अगर मैं यहाँ कंफर्टेबली भी बैठता हूँ तो आप देख सकते हैं इसके हेडरेस्ट कुछ इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं और वापस से इसको डाउन कर। और यहाँ से आप जो है वैनिटी मिरर देख सकते हैं, ये आपको यहाँ पे वैनिटी मिरर मिल जाता है इस तरह से, और ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है लाइट आपकी। गाइस यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये यहाँ से स्विचेज ऑन ऑफ का यहाँ फंक्शन है, तो ये आप देख सकते हैं। और यहाँ से सनरूफ, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सनरूफ जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ से पूरी आगे वाली सीट्स एज वेल एज बैक साइड के लिए। देख सकते हैं मैं बैक साइड सेकेंड रो पे आ गया हूँ, तो क्या किस तरह के स्पेस आप यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी लेग रूम है। मेरी हाइट 6 फीट की है, फिर भी आप देख सकते हैं इनफ हेडरूम यहाँ लेग रूम हमें यहाँ पे मिल रहा है। और बात करूँ हेडरूम की, तो हेडरूम भी एडिक्वेट यहाँ पे हमको मिल रहा है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से आपको बैक साइड में यहाँ लैंप मिल जाता है, आप देख सकते हैं, और यहाँ पे हैंड रेल्स यहाँ पे मिल जाते हैं, ऑटोमेटिकली फोल्डेबल है। सीट की बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, बहुत ही वेल कुशन लगा हुआ है सीट्स में, तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी है। और यहाँ पे आपको बैक साइड में भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको देखने को मिल जाते हैं, आपको मिल जाता है आपका यहाँ पे ओपन हो जाता है, तो यहाँ आर्मरेस्ट आप देख सकते हैं। सो गाइज, अब बात कर लेते हैं सेफ्टी फीचर्स की, तो 5-स्टार रेटिंग मिल जाती है एडल्ट सेफ्टी के लिए, और 4-स्टार रेटिंग मिल जाती है चाइल्ड सेफ्टी के लिए। और बात करें एयरबैग्स की, तो 7 एयरबैग्स के साथ ये कार आपको ऑफर होती, टॉप मॉडल W8 ऑप्शनल, जिसमें कि फ्रंट साइड कर्टन एंड नी एयरबैग आपको मिलते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है सेफ्टी के अकॉर्डिंग। ESP विद रोल ओवर मिटिगेशन, हिल स्टार्ट असिस्ट एंड ABS विद EBD कॉर्नर ब्रेकिंग कंट्रोल। और इस कार में आपको सारे फोर डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आपको मिलता है इस कार में, हिल स्टार्ट असिस्ट, ISO फिक्स, चाइल्ड सीट एंकर्स, फ्रंट एंड रियर फॉग लैंप्स मिलते हैं, कोलेप्सिबल स्टेयरिंग एंड साइड इंस्ट्रक्शन बीम, जो कि काफ़ी बढ़िया है, सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर को ड्राइवर भी आपको मिलता है, रियर डिफॉगर, वॉश एंड वाइप, फ्रंट सीट बेल्ट्स विद प्रीटेंशनर एंड लोड लिमिटर, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक, इंपैक्ट सेंसिंग डोर अनलॉक, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, वार्निंग लैंप्स ऑन फ्रंट डोर्स, इमोबिलाइजर, पैनिक ब्रेकिंग सिग्नल, एंटी थेफ्ट अलार्म, सेकेंड रो सीट बेल्ट रिमाइंडर एंड पैसेंजर एयरबैग डीएक्टिवेशन स्विच आपको मिलता है। गाइज, बात करें कार के कलर ऑप्शन की, तो पर्ल वाइट, डी सैट सिल्वर, गैलेक्सी ग्रे, रेड रेज एंड क्वामरीन, नेपोली ब्लैक, ड्यूअल टोन रेड रेस एंड ड्यूअल टोन रेड रेज एंड ड्यूअल टोन एक्वामरीन कलर्स आपको मिल जाते हैं इस कार में। एंड कार में आपको कीलेस एंट्री मिल जाता है। एंड गाइस, कार में आपको एंड्रॉयड ऑटो प्ले एंड एप्पल कार प्ले दोनों ही मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एंड बात कर लेते हैं अब कंफर्ट फीचर की, तो W8 ऑप्शनल पैक में आपको मिल जाते कंफर्ट फीचर, लेद सीट्स अप होल्स्ट्री
जो कि ग्रे लेदराइट से, जिसमें कि ग्रे लेदराइट आपको मिलता है, एंड लेदर स्टेयरिंग एंड गियर लीवर नॉब आपको मिल जाता है, स्टेयरिंग माउंटेड इलेक्ट्रिक सनरूफ विद एंटी पिंच, स्टेयरिंग माउंटेड फोन एंड ऑडियो कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल, 60-40 स्प्लिट सेकेंड रो सीट्स आपको मिलती है, एडजस्टेबल बूट फ्लोर एंड हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीट बेल्ट्स, इलेक्ट्रिक टेल गेट रिलीज, इल्यूमिनेटेड सन वाइजर विथ वैनिटी मिरर्स, एंड 4 स्पीकर्स एंड 2 ट्विटर्स आपको मिलते हैं इस कार में, सेंटर रूफ लैंप एंड कंसोल रूफ लैंप, 12 वोल्ट एक्सेसरी सॉकेट एंड एडजस्टेबल हेडरेस्ट फॉर सेकेंड रो सीट्स के लिए आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, पैडेड फ्रंट आर्मरेस्ट मिलते हैं विद स्टोरेज बॉटल होल्डर इन ऑल फोर डोर्स, चारों डोर्स में आपको बॉटल होल्डर्स मिलते हैं, एंड बंगी स्ट्रैप फॉर स्टोरेज, सनग्लास होल्डर मिल जाता है आपको इस कार में, एंड सेकेंड रो आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स, इल्यूमिनेटेड ग्लव बॉक्स। अब बात कर लेते हैं टेक्नोलॉजी फीचर्स की। गाइज अब बात कर लेते हैं टेक्नोलॉजी की, तो ब्लू सेंस प्लस की कनेक्टिविटी एसयूवी में आपको मिल जाती है, जो कि आपको ओनली W8 मॉडल में देखने के लिए मिलता है। तो ब्लू सेंस प्लस के थ्रू आप लाइव व्हीकल ट्रैकिंग एंड शेयरिंग, रिमोट डोर लॉक अनलॉक, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अलर्ट्स, टाइम एंड और जियो फेंसिंग, इमरजेंसी असिस्ट जैसे फीचर्स को एंजॉय कर सकते हैं, ड्यूअल जोन फुल ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल मिलता है आपको, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड HVAC सीट्स आपको मिल जाती हैं। सो गाइज महिंद्रा रीवा से आप ये सारी कार परचेज कर सकते हैं, जो भी कार्स आपको चाहिए हो यहाँ से आप मंगा भी सकते हैं। तो आई होप गाइज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं, और प्लीज़ बताएं कि आप और कौन सी कार्स का वीडियो चाहते हैं, और रिलेटेड अपडेट्स के लिए, सारी वीडियो अपडेट्स के लिए टेक्निकल ज्ञानी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच महिंद्रा, एंड थैंक यू सो मच ऑल माई डियर ऑडियंस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू एंड यूनिक इन्फॉर्मेशन अबाउट कार्स।